दोस्तों आज के इस वीडियो में रोमा रेंज के बारे में पांच ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जिसको आप सब सुनकर हैरान हो जाओगे। दोस्तों वैसे तो रोमा रेंज ने WWE में आज के टाइम इतने सारे बड़े बड़े काम कर दिए हैं जिसको गिना पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। उसी में से कुछ ऐसी बातें आप सभी को मैं बताने वाला हूं जिसको आप सब नहीं जानते होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, दोस्तों रोमा रेंज की शादी 2014 में जेलिना बेकर से हुई थी और रोमा रेंज की शादी होने से पहले ही उनकी एक बेटी थी जिसका जन्म 2008 में ही हो गया था। बात को लेकर उस टाइम काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि रोमन रेंस की शादी से पहले बेटी कैसे हो गई। दोस्तों यह सब चीजें हमारे देश इंडिया में इलीगल होगा लेकिन दूसरे देशों में यह सब चीजें कॉमन है। नंबर 4, दोस्तों रोमन रेंस WWE में आने से पहले FCW में फाइट किया करते थे जहाँ पर उन्होंने एक टेग टीम चैंपियन भी जीती थी और उस टाइम उनके टेग टीम पार्टनर टायलर ब्रीज थे। और इस बात को अभी भी बहुत ही कम लोग होंगे जो जानते होंगे कि रोमन रेंस के टेग टीम पार्टनर टायलर ब्रीज भी रह चुके हैं। नंबर 3, दोस्तों रोमन रेंस के समान फैमिली के काफी बड़े बड़े लेजेंड रसलर WWE में आ चुके हैं जिसमें से कुछ नाम है रिकी सी, उमागा और रोक। लेकिन दोस्तों इनमें से रोमन रेंस किसी को भी अपना रोल मॉडल नहीं मानते थे बल्कि वह अपना रोल मॉडल बचपन से ही ब्रेट हार्ट को मानते थे और अभी भी वह मानते ही है और रोमन रेंस हमेशा से ही ब्रेट हार्ट के जैसे रसलर बनना चाहते थे। नंबर 2, दोस्तों रोमन रेंस को WWE में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रसलर बनाने के पीछे ट्रिपल एच का हाथ है क्योंकि ट्रिपल एच ने रोमन रेंस को उनके शुरुआती दिनों में उनको काफी ज्यादा पुश WWE वालों से दिलवाया था और रोमन रेंस के साथ मिलकर बहुत कमाल कमाल की स्टोरी लाइन भी दी थी। और आज के टाइम भी रोमन रेंस की चैंपियन कोडी रोड से ट्रिपल एच ने ही हरवाई है क्योंकि रोमन रेंस जब अपना इस बार रिटर्न करेंगे तो वह बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर रिटर्न होने वाला है। नंबर 1, दोस्तों शील्ड के पहली बार टूटने के बाद रोमन रेंस का WWE का कैरियर काफी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच गया था और 2014 में उनको सुपर स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। यह अवार्ड उस टाइम सिर्फ पूरे रोस्टर में रोमन रेंस को ही मिला था जो उस टाइम उनके लिए काफी बड़ी भाती। और दोस्तों उसके बाद तब से आज तक रोमन रेंस ने सिर्फ WWE में रूल ही किया है जिसके आगे न कोई टिका है और न ही कभी टिक पाएगा। हालांकि अभी हाल ही में WrestleMania 40 में उनसे WWE वालों ने बेमानी करके चैंपियनशिप बेल्ट हरवा दी थी, नहीं तो उनको कोई भी आज भी हरा नहीं पाता। दोस्तों इस वीडियो पर अगर 200 के लाइक आ गए तो रोमन रेंस की वीडियो इस चैनल पर रोज ही आती रहेगी। दोस्तों रोमन रेंस के सच्चे फैन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए।